सभी को नमस्कार बच्चों, मैं डी वेंकट स्वामी, टीजीटी हिंदी, तेलंगाना आदर्श पाठशाला, मुतराजपल्ली गजवेल, जिला सिद्दीपेट से। बच्चों, आज हम पढ़े कैसे इस विषय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जब हम पढ़ने के लिए सोचते हैं तब हम परेशान रहते हैं कि पढ़े कैसे, लेकिन बच्चों पढ़ना उतना कठिन नहीं है, पढ़ना बहुत आसानी है, क्योंकि हम चित्र देखते हुए पढ़ते हैं, कभी बिना चित्र के अक्षर भी पढ़ते हैं, और अक्षरों को मिलाते हुए पढ़ते हैं, और शब्दों को मिलाते हुए भी पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हम चित्र देखते हुए कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ आम का चित्र है, आम का चित्र में आ और माँ। आम का चित्र देखते हुए हम आ और माँ दोनों अक्षरों को पढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हम बिना चित्र के अक्षर भी पढ़ते हैं और अक्षरों को जोड़कर पढ़ते हैं। जैसे देखिए बच्चों, का प्लस मा प्लस ला, कमल। इस प्रकार का, मा और ला तीन अक्षरों को जोड़कर हम कमल शब्द पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम वाक्य भी पढ़ते हैं, जैसे घर चल, नल पर जल भर। यहाँ देखिए बच्चों, हम विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों, रोको मत जाने दो, यह एक वाक्य है। इस वाक्य में हम अल्प विराम का उपयोग किया गया है। यह अल्प विराम के वजह से इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार बदल जाता है। देखिए बच्चों, पहला वाक्य रोको मत जाने दो, यानी इसका अर्थ है उनको रोकना चाहिए, उनको मत जाने दीजिए, इस प्रकार होता है। और तीसरा वाक्य में रोको मत जाने दो, इस वाक्य का अर्थ क्या हो सकता है बच्चों? रोको मत बोले तो उनको नहीं रोकना चाहिए, जाने दो बोले तो उनको जाने दीजिए, इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ होता है। अल्प विराम का उपयोग करने से इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार बदल जाता है। ठीक है बच्चों, हम इस प्रकार चित्र देखते हुए बिना चित्र के और अक्षरों को मिलाते हुए वाक्यों में विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए पढ़ते हैं, पढ़कर इसका अर्थ समझ सकते हैं। बच्चों, पढ़े कैसे इस विषय के अंतर्गत मुख्य रूप से चार भाग होते हैं, जैसे पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, पठित पद्यांश और अपठित पद्यांश। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़े कैसे विषय के अंतर्गत चतुर्थ भाग अपठित पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। अपठित पद्यांश, हम परेशान रहते हैं कि कविता पढ़े कैसे। कविता का वाचन उचित विराम और लय के साथ करना चाहिए। कविता में कई बार एक ही शब्द के दोहरे अर्थ होते हैं, जैसे चांद के निकलते ही भाग जाता है सूरज, खेल को देखते ही भाग लेता है बालक। देखिए बच्चों, इस पद्यांश में भाग शब्द दो बार प्रयोग किया गया है। देखिए, चांद के निकलते ही भाग जाता है सूरज, इस पंक्ति में भाग का अर्थ है भाग जाना, यानी चले जाना। बोले तो आसमान में चांद आते ही सूरज भाग जाता है, यानी चले जाता है। अब अगले पंक्ति को देखिए बच्चों, खेल को देखते ही भाग लेता है बालक। यहाँ भाग का अर्थ होता है हिस्सा लेना, यानी शामिल होना। खेल को देखते ही बच्चे इसमें भाग लेते हैं, यानी हिस्सा लेते हैं। कविता पढ़ते समय हमें कवि के भाव विचार पर ध्यान देना चाहिए। कविता पढ़ते समय शब्दों के अर्थ वही पर लिख लेने चाहिए। इन अर्थों के आधार पर ही कविता का वचन करना चाहिए। अपठित पद्यांश, अपठित का अर्थ है जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। पद्यांश का अर्थ है किसी कविता या पद्य का अंश है।
अपठित पद्यांश का अर्थ है किसी कविता का वह अंश या भाग जिसे आपने पहले अपनी पाठ्यपुस्तक में ना पढ़ा हो। अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते समय इन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपठित पद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़े, पद्यांश के अर्थ और भाव को अच्छी तरह से समझ ले। प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर पद्यांश में ही ढूंढे। प्रश्नों के उत्तर से संबंधित मुख्य अंश या वाक्य को रेखांकित करें। प्रश्नों के उत्तर छोटे और एक वाक्य में हो। प्रश्नों के यदि विकल्प दिए हो तो विकल्पों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर को चुनें। शीर्षक का चयन पद्यांश के मूल भाव से ही संबंधित होना चाहिए। बच्चों, अब इस पद्यांश को पढ़िए। पद्यांश को कैसे पढ़ना चाहिए बच्चों? पद्यांश को राग भाव युक्त पढ़ना चाहिए। जैसे खड़े खड़े मुस्काते पेड़, कहीं न आते जाते पेड़। खड़े खड़े मुस्काते पेड़, कहीं न आते जाते पेड़। जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत हो या खुली सड़क को, बादल बिजली तेज कड़क हो, किंतु नहीं घबराते पेड़। सैनिक से डट जाते पेड़, सैनिक से डट जाते पेड़। खड़े खड़े मुस्काते पेड़, खड़े खड़े मुस्काते पेड़। खड़े खड़े मुस्काते पेड़, कहीं न आते जाते पेड़, कहीं न आते जाते पेड़। हम प्रश्नों के उत्तर देते समय इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे मित्र, देखिए बच्चों, क्या, कौन, क्यों, कब, कहाँ और कैसे, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों, पद्यांश से संबंधित प्रश्न। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न, कौन मुस्काते हैं? दूसरा प्रश्न, पेड़ किसकी तरह डट जाते हैं? तीसरा प्रश्न, बिजली कैसे कड़कती है? चौथा प्रश्न, क्या पेड़ कहीं आते जाते हैं? पांचवा प्रश्न, इस पद्यांश का शीर्षक क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखते समय हम यह याद रखना चाहिए कि प्रश्नों का उत्तर पद्यांश में सीधा नहीं मिलता है, इसलिए हम प्रश्न से संबंधित उत्तर को पद्यांश में रेखांकित करना चाहिए। रेखांकित करने के बाद पूछे गए प्रश्न के अनुसार कुछ बदलकर प्रश्न के नीचे उत्तर लिखना चाहिए। जैसे अब देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, कौन मुस्काते है? प्रश्न से संबंधित उत्तर कहाँ है बच्चों? देखिए, हाँ, पहला पंक्ति में इस प्रश्न से संबंधित उत्तर है। अब क्या करना चाहिए बच्चों? इस उत्तर के नीचे रेखांकित कीजिए। अब क्या करना है बच्चों? इस रेखांकित वाक्य को प्रश्न के अनुसार बदलकर उत्तर लिखना चाहिए। देखिए बच्चों, अब उत्तर क्या होगा? पेड़ मुस्काते है। इस प्रकार हम उत्तर लिखना चाहिए। अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है? पेड़ किसकी तरह डट जाते है? देखिए बच्चों, इसका उत्तर कहाँ है? पद्यांश के नीचे से दूसरी पंक्ति में है। इसको क्या करना है बच्चों? इसको रेखांकित करना चाहिए। अब इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा, पेड़ सैनिक की तरह डट जाते है। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या है? बिजली कैसे कड़कती है? इसका उत्तर कहाँ है? पद्यांश के बीच में है। देखिए बच्चों, इस उत्तर का भी रेखांकित कीजिए। अब इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? बिजली तेज कड़कती है। देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न क्या है? क्या पेड़ कहीं आते जाते है? इसका उत्तर कहाँ है? पद्यांश के दूसरी पंक्ति में है। देखकर रेखांकित कीजिए। अब इसका उत्तर क्या होगा बच्चों?
नहीं, पेड़ कहीं ना आते जाते हैं। बच्चों अंतिम प्रश्न देखिए क्या है, इस पद्यांश का शीर्षक क्या होगा? बच्चों इस प्रश्न का उत्तर पद्यांश में नहीं मिलता है, तो हम क्या करना है बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय इस पद्यांश का भाव और विषय को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। देखिए बच्चों इस पद्यांश में किसके बारे में कहा गया है? पेड़ के बारे में कहा गया है। देखिए बच्चों अब इस पद्यांश का शीर्षक क्या होगा? इस पद्यांश का शीर्षक पेड़ होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पद्यांश के भाव और विषय को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। देखिए बच्चों अब कोई कविता पढ़िए, उसमें से एक पद्यांश लीजिए, इस पद्यांश से संबंधित प्रश्न बनाइए और उत्तर लिखिए। ध्यान दीजिए बच्चों, आज हम पढ़े कैसे विषय के अंतर्गत चतुर्थ भाग अपठित पद्यांश के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों अब अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा कोई अन्य पुस्तक से किसी एक पद्यांश को लेकर प्रश्न बनाकर इसका उत्तर लिखते हुए अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।